हाय व्यूअर्स, क्या हाल है। तो आज मैं आपका पार्क के ड्रामा से दोस्तों के बारे कमाल के हैं, आपको एक बार तो देखना मत भूलिएगा। फर्स्ट हमारे पास है रिबॉर्न रिच। ये 2022 का ड्रामा है। ये ड्रामा काफ़ी अमेजिंग है। इसके 16 एपिसोड है। इसमें पावर, स्ट्रगल, फैमिली और काफ़ी कुछ है। लव ऑल प्ले, ये 2022 का ड्रामा है। इसमें इसका मेन रोल है। इसके 16 एपिसोड है और ये ड्रामा काफ़ी अमेजिंग है, आपको देखना चाहिए। डू यू लाइक फरहान, ये 2020 का ड्रामा है। इसमें इसका मेन रोल है। इसके 16 एपिसोड है और इसमें म्यूजिक, रोमांस, ड्रामा और काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। डियर माय रूम, ये 2018 का ड्रामा है। इसमें इसका मेन रोल है। इसके 12 एपिसोड है और ये ड्रामा भी काफ़ी अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। योर ऑनर, ये ड्रामा भी काफ़ी अमेजिंग है। ये 2018 के है। इसके 32 एपिसोड है। एक्शन, रोमांस और काफ़ी कुछ है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। डू यू लाइक फरहान्स डायरेक्टर्स कट, ये 2021 का ड्रामा नहीं मूवी है और इसमें रोमांस, लव ट्रायंगल और काफ़ी कुछ है। द डायमंड फूरी, ये एक मूवी है। इसमें हॉरर, कॉमेडी और काफ़ी कुछ है। इसमें एक भूत है जो काफ़ी स्टोरी बदल देता है पूरे सीरीज़ की, आपको देखना चाहिए। ए मैंस ट्रू कलर्स, ये भी एक ड्रामा है। इसमें रोमांस, सस्पेंस और काफ़ी कुछ है। नेक्स्ट हमारे पास है गंजुम हॉन्टेड एनएसलूम, ये 2018 की मूवी है। इसमें हॉरर, गोर सीन और ड्रामा काफ़ी कुछ है जो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास है एन जोंग एंड संग यून। ये फ़िलहाल उन्होंने एक्टर के नाम रखे हैं, इस ड्रामे का नाम नहीं रखा है। इसके एपिसोड भी अभी तक नहीं आए हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। गोल्ड स्पून, ये ड्रामा आई थिंक आ चुका है लेकिन इसका पोस्टर मैंने अपने वीडियो में नहीं डाला है। और ये ड्रामा तो अब हिंदी में भी, आप इसे फेसबुक पर, यूट्यूब पर कहीं पर भी देख सकते हैं। द हाइडन फेस, ये ड्रामा अभी तक नहीं आया है और इसके एपिसोड भी नहीं आए हैं और ये ड्रामा भी शायद आने के बाद काफ़ी अच्छा लगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको कोई एक्टर एक्ट्रेस पसंद है तो उनका जो नाम है वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।